स्कूल की तरफ से आज यहाँ रानी रिसोर्ट में हाजिर हूँ। मेरे साथ स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, ट्रिप इंजॉय कर रहे हैं। राना रिसोर्ट बहुत अच्छी बड़ी जबरदस्त जगह है। अभी स्टूडेंट्स भी घुमाएंगे और आपको पूरे इलाके के हम सैर भी घुमाएंगे, ठीक है। मेरे साथ ये मेरी टीम मोनेमियंस मेरे साथ हैं, राना रिजोर्ट में हम मौजूद हैं इस टाइम पे। और ये सारे स्पोर्ट्समैन भी हैं जी। ये हसन साहब रैकेट तो इनके हाथ में है, ये मिस्टर ताहा रैकेट इनके भी हाथ में है, किसी के हाथ में बैट बॉल है। तो हम राना रिजोर्ट में ही सारे मोनेमियंस जी लगता है। हाँ जी बच्चों इंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, गाड़ी में भी बहुत इंजॉय किया है। ये राना रिजोर्ट अच्छी जगह है घूमने के लिए, बच्चों के ट्रिप के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। चेयर लिफ्ट भी यहाँ पे मौजूद है। सबसे बड़ी बात है ये जो चेयर लिफ्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिटी से नहीं चलने वाली, इलेक्ट्रिक से चलने वाली नहीं है ये चेयर लिफ्ट जी, महज हाथ से रस्सियों को खींच के। ये देख रहे हैं आप, जंगल ये खुद बनाया हुआ जंगल है। कहाँ जा रहे हैं भाई? सर जीप चलाने। हाँ जी मजे कर रहे हैं भाई। yes. अभी क्या ये चेयर लिफ्ट झूला लेके आए हैं? छोटों के लिए। झूठे क्या कह रहे हैं? छोटों के लिए तो आप छोटे बन जाए, थोड़े से मतलब अपनी लेग्स को बेंड करें। एक जू भी बना हुआ है जी यहाँ पे, कुछ बर्ड्स रखे हुए हैं। ये सारे मोनेमियन टीम सारी आ रही है। बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारा एक लाइन क्यों में आए? ऑस्ट्रिच बन रही है ना, वो देखो क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगा सजाइन वाला किसी नहीं पता होगा नहीं। क्या कहना है तुमने? इस तरह से जैसे किसी ने ना चुटकी काट दी। Thank you.
चले ताहा वापस भी आएंगे, सिर्फ जाना ही जाना है। मैं पता क्यों नहीं बनाई बताता हूँ। लिखा हुआ पीआईए डर तो नहीं लग रहा ना।
दे रहा था। सर मुझे ऐसे धक्का देगा मैं कम मैं गिर जाता ना सही है सारे पत्ती पत्ती आम पे अभी आप पढ़ी पहले कोई नहीं है नहीं वो पीछे हैं। एक हेलन कैलर की मैं आपको स्टोरी सुनाऊं। हेलन कैलर जब 19 महीने की थी वो अंधी भी हो गई बहरी भी हो गई तो उसने पीएचडी तक भी की। उसने एक नावल लिखा, उसने लिखा कि अगर अल्लाह मुझे 3 दिन के लिए आंखें दे ना मैं आंखों का इस्तेमाल कैसे करूंगी। वो कुदरती खूबसूरती को बहुत पसंद करती थी और नेचर ब्यूटी को बहुत लाइक करती थी। तो उस बंदी ने कहा कि अगर अल्लाह मुझे 3 दिन के लिए सिर्फ आंखें दे दे उन आंखों का इस्तेमाल मैं कैसे करूंगा। ये हेलन कैलर पीछे हमारे चारों पांच स्टूडेंट से खड़ा है, ठीक है, इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो हेलन नहीं मैं बता रहा हूँ कि वो ये कहती थी। उसकी एक दोस्त ना हेलन कैलर की दोस्त उसके पास आई, कहती मैं यार सारा दिन जंगल की सैर करके आई हूँ। हेलन कैलर ने पूछा क्या देखा, उसने कहा नथिंग पार्टिकुलर थिंग, कुछ खास नहीं। वो इतनी परेशान होती कहती सारा दिन जंगल की सैर की और देखा कुछ भी नहीं, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि अल्लाह की कोई चीज नजर नहीं आई, कुदरत नजर नहीं आई। तो उसने कहा कि मैं जंगल के पत्तों को हाथ लगा के दरख्तों के पत्तों को बता सकती हूँ किस दरख्त का पत्ता है ये। मैं किसी तने को हाथ लगाऊं तो बता सकती हूँ ये किस दरख्त का तना है। मैं किसी कोम्पल को पकड़ू तो बता सकती हूँ कितने दिन की ये कोम्पल हो सकती है। तो उसने कहा कि आप लोग पूरा दिन जंगल में सैर करते हो और कहते हो नजर कुछ नहीं आया, तो देखिए अल्लाह ताला की जितनी भी सारी ये कुदरती चीजें नजर आ रही है ना, ये खुदा ताला का एक निजाम है। कि वैसे तो एक हमें लगता है ये फजूल है, ऐसे लग रहा है कि फजूल है लेकिन नहीं, ये नहीं लग रहा माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारे फायदे की चीजें बनाई है। ये बांस है जिससे बहुत सारी चीजें बनती है इसके साथ। तो चले वापस इधर चल। तो हेलन केलर ने हमें एक नेचर कुदरत को जो जैसी भी मेरी आंखें नहीं है लेकिन मैं आंखें बंद करके इसको हाथ लगाऊंगी ना तो मैं बता सकती हूँ कि मैंने क्या पकड़ा हुआ है, कौन सा दरख्त है। कुछ भी नहीं होगा। नहीं आप तो शोर नहीं चाह रहे थे, पीछे हो जाए थोड़ा सा साथ। अरे दो से बचो, दो से जी गुड़िया बैठे लो बेटा तस्वीर बनवा दो दिया इधर ले आप लैट नहीं मैंने नहीं
बहुत प्यारी जगह है। एक मिनट आपसे पीछे करा दिए सारे अच्छी प्लेस है। स्नेक बोटिंग करनी हो तो ये बेहतरीन जगह बनाई हुई है बोटिंग करने के लिए। ये 10 मुरब्बा पर ये जगह फैली हुई है। ये रकबा 10 मुरब्बा का ये रकबा है, यानी कि 250 किले जिसे हम कहते हैं। भूख तो नहीं लगी? कुछ खाना है? कुछ है